প্রথম দিনে এই জমিরা যদি কভার করলেন উঠে বলেছি দুর্বলাকে প্রণাম করেছি ঠাকুর কথা বললাম ছবি বলে ছবি তোলা যাবে না বারণ আছে মানে আমরা একটা ছবি দিই বলে আমার ছবি প্রণাম করতে দিয়েছি আমি অর্ধেক বলে ঢুকে দিয়ে এরকম করে দেখলাম ওই মুখে ঢুকতে নেই কভারটা খুলেছে হিরক সাহেব ও মন্দির আজকে অঙ্কুতা গিয়েছিল ঠাকুর মশাই বললে আমি ঢুকিয়ে দেবো অঙ্কুতা আজ গিয়েছিলেন যে ঠাকুর মশাই বললে আমি ইয়ে করবো বলে আছিয়ে বললো না আমরা তো ওই সামনেই আছি রোজ সকাল বিকাল দাঁড়িয়ে আছি ঢোকার জন্য আরে এ তো আমার কেই সমস্যার বইয়ের মধ্যেও তো লিখে দেওয়া আছে হায়দ্রাবাদ My wife is also, she is teaching in MR classes at Varanasi. She is living here, I am at Gorakhpur. BHU और बंगाली टोला पे आए थे हाँ दोनों में हम आए थे बीएचयू वाले भी बंगाली थे बहुत बार लेट पहुँचे थे 12 बजे के आसपास साढ़े 11 होने वाला बंगाली टोला में मैं आया था लेकिन बंगाली हमें क्लियर नहीं था तो अभी घंटा हुए না না এনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি এনারা এই তো আসে না नहीं बनारस में हमारी पत्नी रहती है ना रहती वो पढ़ाती हैं तो मैं बच्चे हमारे यही हैं छोटी बेटी टीचर है तो इससे फैमिली परिवार यहाँ रहता है कल मैं चला जाऊँगा मंडे मॉर्निंग है दो देर मंडे मॉर्निंग कल है तो कल मैं निकल जाऊंगा गोरखपुर यहाँ से गोरखपुर कितना आवर्स लगता है ट्रेन में 4.5 hours बस से 6 hours बाई बस 6 hours बाई ट्रेन 4.5 hours हाँ काफ़ी ट्रेन है और नेशनल हाईवे भी है तो बसेज आर ऑल्सो देयर और मैंने ये पुस्तक ले ली है बाबा की और उसका अध्ययन करके फिर हमने कहा इंटर मैं बस समाचार जी की हिंदी उसको स्टडी करके अध्ययन करके फिर आपसे संपर्क में रहा मिला और बंगाली किताब थी ना बाबा उनको हिंदी चाहिए था पुराण पुरुष नहीं ले पाया अपने पास एक ही कॉपी था इसलिए हिंदी दे दिया मिसेस कपूर से आपने बात करने कहा है इसमें क्या हो हिंदी तो आ नहीं रहा नहीं बाबा हमारे पास जो कॉपी था वो होती है
अपना पर्सनल कॉपी दिया। कल मेरी बात हो गई थी तो आपने कहा था फोन करके आइएगा, क्योंकि बंगाली समझ नहीं पाएंगे और कलकत्ता आएंगे तो फिर दर्शन कभी होंगे आपके यहाँ बीच में बात हो गए। कल तो आप निकल जाएंगे। चलिए सौभाग्य था दर्शन हो गया, वहाँ भी हो गया, बंगाली टुकड़ा भी हो गया। यहाँ मैं जी पी अस्थाना, जी पी अस्थाना, जी सिंह सम अस्थाना साहब इस देर पुणे पुणे में आप बता रहे हैं ना, पुणे में अभी एक क्रिया लिया है अस्थाना। मैंने कहा ठीक है फिर बात हो जाएगी, आपसे नंबर ले लिया, लखनऊ से हैं, वहाँ से आपने बी एच यू में पूछा था कि कुछ डाउट है, दो मिनट के लिए कोई कुछ कहना चाहता है तो नोबडी, वहाँ पे लेक्चर देने के बाद ही कहा था कि दो मिनट का टाइम देता हूँ, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ ले। तो चूँकि मैं तो लेट गया था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं अध्ययन करके थोड़ा सा आपका ब्लेसिंग लूँगा। लेकिन ये जो 84 लाख वाली बात हर जगह होती है, इसका कोई कन्फर्मेशन कहीं से है 84 लाख यूनी का या रीबर्थ एंड बर्थ का? देखो हमारे भारत का आध्यात्मिक जो कुछ है इसका कोई लेबोरेटरी प्रमाण नहीं है जी, इसका योगिक प्रमाण। योगिक प्रमाण क्या है? योगी लोग जो कहते हैं, जैसा वो गोरखनाथ जिसके नाम पर वो जगह का नाम गोरखपुर हुआ है, वो भी एक ही शब्द कहते हैं जो कि समाचार लाइव करती है। तो इसका प्रमाण इस स्थूल में नहीं मिलता, लेकिन योगी लोग जो कहते हैं उसका भीतर का प्रमाण वो सब कुछ जान जाते हैं। लोग जो कहेंगे वो कर पाते हैं, जैसा भगवान जो कृष्णा जो की गीता हमारे उद्योग का बताए उसका कोई प्रमाण कर रहे उन्होंने जर्मना भी कर दीजिए तो बिलीव क्यों, लेकिन वो दूसरे जगह वो बता दिए ज्ञान विज्ञान से ज्ञान विज्ञान के साथ में है, लेकिन ये पार्थिव ज्ञान विज्ञान नहीं है, ये सुपरफिशियल ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो है एक स्पिरिचुअल नॉलेज। हमारी भारत जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर जिंदा है, और अभी का जो स्थूल विज्ञान साइंस जो है वो स्थूल विज्ञान तो अभी हम लोग देखो एक तो आदमी जिंदा है, काम करता है, चलता फिरता है, सब कुछ बात करता है, थोड़े बाद वो मर गए, क्या चीज का अभाव, इसका लेबोरेटरी तो टेस्ट में कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग आँख से देखता है वो चलते फिरते थे, अभी नहीं चलता, मर गए। ये डॉक्टर टेस्ट देखा है, टेस्ट किया, फॉल्स स्टेथो नहीं, वो मर गए। इसका प्रमाण क्या है? कुछ भी नहीं, उसने प्रमाण है कि पल्स बीटिंग नहीं। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट में पल्स बीटिंग तक है, इसके बाद नहीं है, तो कौन चीज का एब्सेंट हो गया जिसके ऊपर मर गए? ऐसा ही अध्यात्म जगत का, खास करके भारत का जो हमारा सनातन धर्म का जो विज्ञान है वो किसी जो 84 लाख जन्म उसका वो जो भी लोग जाते हैं मतलब फिक्स कर दिया है, कोई कम भी नहीं हुआ ना ज्यादा हुआ नहीं, नहीं वो एप्रोक्सीमेट है, जो कम होता है जो जो ज्यादा भी हो सकता है। इसे कुछ लोगों ने कहा कि जैसे जिसका पेड़ है वही बनेगा, आम का पेड़ है तो आम बनेगा, बबूल का पेड़ है बबूल बनेगा, बताते हैं आदमी तो आदमी ही बनेगा, उसको दूसरा बनेगा, स्पीसी सेम है नहीं आदमी बने। वो हमारा भारत का सनातन धर्म का कहते हैं
ऊर्ध गति निम्न गति चक्र गति वक्र गति हम अच्छा आदमी हैं लेकिन ये एक आदमी को मर्डर कर दिया किसी कारण से जी। तो मर्डर का जो पाप है वो हमको निम्न गति करेगा लेकिन वो अगर वो नहीं करता तो उसका ऊर्ध गति होता। इसीलिए गहना कर्म न बने हमारे कर्म की गति जो है वो डीप फॉरेस्ट के मध्य है। डीप फॉरेस्ट में घुस जाने से इधर से रास्ता निकलेगा नहीं मैं मालूम आता है सही है सब पता कर मतलब अगले जन्म में अच्छा कर्म करते हैं जो 80 लाख ये जन्म में अच्छा काम करे तो ऊर्ध्वगति होगा ये जन्म में बुरा से बुरा काम करे तो निम्नगति होगा। इसी तरीके से एवरेज में 84 लाख अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि जिस स्टेटस को आपने प्राप्त कर लिया इस बर्थ में 9th class आपने पास कर लिया सपोज के लिए अगले बर्थ में आपका 10th class शुरू होगा जो आपने ड्यूटी अटेंड कर ली इस बर्थ में अगला जो बर्थ होगा उससे फिर आगे से आप स्टार्ट करेंगे। ये लोग कहते हैं सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर होगा तो लेकिन मैं जैसा कर्म करेगा वैसा रिजल्ट मिलेगा जी जी। हम जानते हैं कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा जी लेकिन अचानक भी जल जाए हाथ दे देगा तो तभी भी जल जाएगा ये तो कर्म है। हम जानबूझ करके कर्म बुरा कर्म करेगा तो होगा उसका भी पनिशमेंट होगा और नहीं जानबूझ करके भी काम कर लेगा तो जो कर्म का गति है वो मरना पड़ा कहना कर्म गति गीता के ऊपर कोई बात नहीं सकती। अब कौन सा लेबोरेटरी है उसका टेस्ट करके बताएंगे ये स्थूल जो लेबोरेटरी है वो नहीं बता सके। एक आदमी मर गया वो कहाँ गया वो लेबोरेटरी बोल सकता है वही आदमी का पुनर्जन्म होगा वो कोई लेबोरेटरी बोल सकता है कब वो आदमी का पुनर्जन्म नहीं होगा वो कोई लेबोरेटरी बोल सकता है तब लेकिन हमारा शास्त्र बोल सकता है। जितने भी संत आए जाने के बाद वही लोग कहे सूर्य तुलसी कबीर कोई लौट के तो आया नहीं बताने के लिए तो वो टेस्ट से नहीं बिलीफ पे है उस पर है। ये ऑर्डिनरी बिलीफ नहीं है ये ज्ञान विज्ञान सही तंग बिलीफ है। इसलिए ये सत्य है ये इस जन्म में जिसका हाई स्टेटस है उन लोगों को थोड़ा बेटर वर्क करना चाहिए। मैं देखता हूँ जितने पॉलिटिशियंस हैं हाई स्टेटस में और रॉन्ग वर्क कर रहे हैं। हाई स्टेटस में भी जन्म में है पिछले जन्म का अच्छा काम किया था जन्म तो आज चले रतन टाटा है अभी वो पिछले जन्म का तो बहुत अच्छा काम किया था जन्म में आमिर बन गए लेकिन इस जन्म में कितना आदमी का वो खराब किया उसका भी तो हिसाब तो उधर में है। अगले जन्म में अमीर बनेगा ना गरीब बनेगा उसका कर्म जानते ये नहीं कि वहाँ से आगे और बढ़े और आगे आगे बढ़े भी सकते हैं और नीचे भी नाम सकते उसका कर्म उसका रिजल्ट बनेगा। हम एग्जाम में अति दिया तो हमारा नंबर कम दिया है एग्जाम अच्छी तरीके से दिया तो हमारा नंबर ज़्यादा आएगा उसमें जो खाता दिखता है जो राइटिंग जो स्टूडेंट का देखता है वो तो कोई बुरा काम नहीं करेगा लेकिन वो भी बुरा काम होता है उसको हम फेल करा देगा ऐसा भी टीचर हम देते हिंसा वाले हैं तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। जैसा हम एक तो बात है एक विचार को दिया कोर्ट के इजलास में बैठे तो उसका कानून के अनुसार इसको फांसी देता है हैंग टू डेथ कानून में जिसको उसका ताकत है वो देता है।
अब पुलिस ले गया है सब जाकर तो उनको हैंड टू डेथ कर दिया उसका खत्म। लेकिन धर्म में वो चीज नहीं चलती, धर्म ऑलवेज न्यूट्रल। उसका जीवन तुम दान नहीं कर पाओगे उसको तुम मर्डर कर पाओगे। ये जो कानून के ऊपर हैंड टू डेथ ऑर्डर दिया है वो कानून का क्या गॉड मेड है ना मैनमेड है? मैनमेड है तो मैनमेड है, और मनुष्यों का जो लॉयर है वो भी मैनमेड है। ये सब कुछ मिला करके उसको जो फांसी का ऑर्डर दे दिया ये जगत के क्यों सर को ठीक है बिकॉज ऑल ऑफ द मैन मेड। लेकिन गॉड की गॉड की भगवान की हिसाब तो दूसरा है ना, न्यूट्रल न्यूट्रल है। तो उसको जीवन नहीं दे पाया तो जीवन लेकर ये जो मनुष्य ने गोट को काट करके उसको गोश खाते उसका जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। इसका जस्ट पनिशमेंट हो सकता है अब आगे जन्म में? हाँ हाँ उसी मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, उसका जन्म होगा। आज अखबार में देखा काल बकरी था जी, तो बनारस में इतना जानवर को काट दिया इतने जानवर को काटे हैं कि ये सब गोश्त लेने के बाद जो एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं जो नहीं खाएंगे जो उसका वो लेग है वो पेट का भीतर का सामान ऐसा करके जितने निकालता है उसमें 93 ट्रक्स भर्ती करके कॉरपोरेशन ने फेंका है। कितने जानवर को काट दिया तो इसका रिजल्ट उसको मिलेगा। फसल कर रहे हैं जो मुर्गा खाते हैं बहुत तो मान लो कि एक आदमी जीवन भर 500 मुर्गा खा लिया तो 500 जीवन को ले लिया जी, उसका रिजल्ट उसी को लेना है। ऊपर वाले का रिजल्ट न्यूट्रल है तो उसके आगे की स्टेज बाद में मिलती है, बार बार स्टेज बाद में मिलती है। हम जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट मुझे पता है। इसी तरीके से ये योगी लोग हैं सबसे बड़ा सुप्रीम साइंटिस्ट, वो प्राण को लेकर के आत्मा को लेकर के जन्म मृत्यु को लेकर के वो चलते हैं। ये प्राण अगर जब सोचेंगे डिसीशन ले लिया कि अभी हम ये शरीर को छोड़ देंगे तो किसी का हिम्मत नहीं उसको रुकने का, कौन बचाएगा उसको? तो जो जो जिसका कारण से मैं जिंदा हूँ वो तो डिसीजन ले लिया, वो तो मेरा मालिक है। और मैं कौन हूँ? दिस बॉडी इज नॉट द माई सेल्फ जी, बॉडी का जन्म हुआ व्यक्ति मर जाएगा जी, इसलिए एक टेम्पोररी है। तो इसको जो बचा के रखा है वो तो भूलबाल, उसको जानो। उसको जानने से अब उसका पूरा यूनिवर्स का ज्ञान है, क्योंकि हमारे भीतर जो प्राण है सबके भीतर एक ही प्राण है, उस स्काई मून सब जगह पे एक ही प्राण है, इवन इन द डस्ट जी जी सर्वांग प्राण मान जगत। और ये भी हो सकता है कि अगर काम ठीक नहीं किया है तो मनुष्य जन्म में ही आप हैंडीकैप हो जाए, पुअर हो जाए, ह्यूमन बीइंग बट विद खराब खराब आदमी हो जाता है।
हम नीच जन्म में लाठी से मार करके एक आदमी का पैर को तोड़ दिया। नेक्स्ट जन्म में जब हम आएगा तो हमारा पैर पैर में स्ट्रेंथ नहीं है, लंगड़ा हो जाएगा। तो भाई गूंगे बहरे ये जो रहते हैं लूले, मतलब उनको कुछ डिफॉर्मेट रहता है, उनको ऊपर दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दया करना चाहिए, लेकिन वो भी उसका कर्म फल होता है, कर्म फल उसको मिलता है। इसीलिए लोग ऐसा हो गया तो मुख से बात नहीं आता है, आवाज करता है। मान लो कि गले में फान लगा करके एक आदमी को मर दिया, नेक्स्ट जन्म में उसका भी बात बंद हो गया। जैसा हम शीशा में लुकिंग ग्लास के सामने खड़े हो गया, हम खड़े हो ऐसा हो गया, वो भी ऐसा हो जाए, हम ऐसा करेगा तो वो भी हमको दिखाई जाएगा, हम टंग निकलेगा तो वो भी टंग निकलना दिखा जाएगा। तो ऐसे ही हमारा कर्म का गति ऐसे ही, जैसा हम काम करेगा उसी के मुताबिक मुझे रिजल्ट मिलेगा, जैसा हम स्कूल में पढ़ाई करेगा उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। 100 नंबर के भीतर में आपको 30 मिल जाएगा और नहीं तो कोई 95 मिल जाएगा, उसका काम सब कुछ रिजल्ट, जैसा पढ़ाई करेगा तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग लॉजिकल बात करते हैं कि आपने मुर्गा खाया कि पिछले जन्म में मुर्गे ने आपको खाया होगा। हाँ, हाँ। देखो एक तो पेड़ में एक तो फूल है, फ्लावर हम लोग पूजा करते कि फ्लावर दे कर फ्लावर कर लिया, कृष्ण आया हो ना वो पूजा कर दिया, तो वो फूल का भीतर भी तो प्राण है जी जी, वो भी ऐसा ही एक दिन मर जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमारा पुण्य मुझे पुण्य चाहिए इसलिए उसको देख करके मैं पुण्य का चाहते किसको बस भगवान का चरण में। तो एक फ्लावर कोई दिन में आकर के अपने कहकर तुम हमारे गले को कट करके मार दिया, अभी हम तुमको मरेगा? भगवान तो कभी बोला नहीं है कि मुझको फूल दे करके पूजा करो और रसगुल्ला मिठाई दे करके पूजा करो, कहाँ है? गीता में एक तो श्लोक है, पत्रों पुष्पन फलन ध्रुवन जो में उसका मीनिंग दूसरा है। अच्छा, वो बताएगा तो आधा दो घंटे चले जाए। दक्षिण में बता सकते हैं पुराण पुरुष और ये किताब दोनों पढ़ ली। पुराण पुरुष तो आपको मिल जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे या गीता में, गीता पढ़ के देखो, गीता में कभी भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि तुम हमारे मूर्ति बैठाओ, एक मिट्टी का मूर्ति बनाओ, जैसे पत्थर का मूर्ति बनाओ और उसके हमारे ऊपर फूल दो, प्रसाद दो, कृष्णायन हो बोल कर पूजा करते रहो, कोई बात है? नहीं नहीं, ऐसा मूर्ति पूजा का तो है ही नहीं, है ही नहीं, हम लोग कहीं चुप कर सकते मूर्ति पूजा तो हमारे सनातन धर्म में कई मूर्ति पूजा की पूजा कहीं नहीं, किसी ने मठ बनवाया नहीं कभी, क्यों आया हमारे समाज में? जब हम आत्म साधन को भूल गए और समाज में से ऑब्सोल्यूट हो गए तभी वो बाहर का वस्तु पूजा आ गई। क्योंकि अभी उसको आत्मज्ञान सिखाने का तो टीचर होना चाहिए। जैसा हम बच्चों लोग को स्कूल में भेजते हैं तो वो मैथमेटिक्स सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, अपना अपना मदर लैंग्वेज सीखेगा, सब सीखेगा। ब्लैक बोर्ड में वो टीचर उसको इंग्लिश और मैथमेटिक्स समझाता है लेकिन वो टीचर खुद नहीं जानते, तो किसी तरीके से उसको रिजल्ट को मिला दिया है, तो बच्चों कैसे? तो समाज में तो सही टीचर होना चाहिए।
तो बाद में स्पिरिचुअल में भी तो टीचर बोला था जी जी और स्पिरिचुअल में टीचर जाके टीचर के पहले तो टीचर लगाएगा कौन सा शास्त्र में आपको बताओ कि टीचर लगाएगा और सबको यहाँ तो टीप लगा करके चलते हैं कहाँ उसका मीनिंग जानते हो वो चंदन का वो मिट्टी का टीप लगा देते हैं बहुत पूजा हो गया ये तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर में किया अगर से वो फसलों का लाइसेंस लगा उसका काम वो किया आखिरी में तो हम जब नहा नहीं किया नहा करके किया था उसको लेकर के दिन भर तो घर में है उसको हमने जैसे 15 घंटा हमको तो उठाना ही पड़ेगा ये तो हमारा काम ही लगेगा बिस्तर में लगेगा जी उसका काम उसको क्या है हमारे काम हमको करना है वो मंदिर का पुजारी है प्रीस्ट है उसका काम मंदिर का भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है इतना ज्यादा बीच में आ गया है कोई ये तो कलयुग का प्रोडक्शन है इसीलिए ये कबीर तक ने नहीं किया था सूर तुलसी मीरा ने नहीं किया मंदिर का कोई मंदिर इतने बन गए मठ इतने बन गए सब बनते चले जाते हैं इधर का पूरे घर संसार छोड़ कर के साधु बनता है लेकिन हमारे कौन सा धर्म पुस्तक में है कि अपनी बुद्धि पिता माता को छोड़ के और अपना धर्म पति बल बच्चों को छोड़ के फिर साधु हो जाए कहाँ है कौन से पुस्तक में कौन सा धर्म में है हमारे सनातन धर्म तो भगवान शंकर का भी पत्नी था बाल बच्चू था भगवान रामचंद्र की भी पति था बाल बच्चू था भगवान कृष्ण का भी बाल पति था बाल बच्चू था जितने मुनि ऋषि लोग था सबके बाल बच्चू था जी ये जो घर संसार वाले छोड़ करके बन जाते ये भी तो एक मन का छलना है छलना जानते रिसीव करना अपने आप हाँ। शंकराचार्य से शुरू हुआ हमको हमारे मन हमको बुरा समझा देते मैं वो उसी को सत्य मानकर कम चल जाते इसलिए सबसे बड़ा शत्रु है तो मन उसको कंट्रोल करना ये जो काशी में मोक्ष मिलने की बात है कि कोई भी काशी में फाउंडेशन हो जाएगा उसका बनारस में अगर डेथ होती है फाउंडेशन हो जाएगा ऐसा लोग कहते हैं काशी में मोक्ष मिल जाएगा बनारस में डेथ होने से काशी में डेथ हाँ ये कुबार बक्कर चालू है ये चालू है लेकिन वो काशी कौन है ये है पृथ्वी का काशी लेकिन असली काशी है काशी त्रिशूल के ऊपर वो भगवान का शिव शंकर का जो ट्राइडेंट है त्रिशूल जी उसके ऊपर वो कौन वो आपका भीतर वो ही काशी में जाओ तो मुक्त हो जाए वो तो साधन कर इस काशी से मतलब नहीं है काशी खंड जाकर के देखो कल भी हम बताए उधर यूनिवर्सिटी में मैं लेट पहुंचा था थोड़ा इसलिए मुझे उसका आइडिया नहीं रहा तो काशी खंड किताब में लिखा है कि काशी में भूकंप नहीं होगा आगे देखिए लेकिन ये काशी में होता है तो क्या हमारे शास्त्र में कुछ दिक्कत ये काशी ठीक है ये भी भगवान का एक जगह है लाखों लाखों करोड़ करोड़ आदमी आता है श्रद्धा अपना प्रणाम करते हैं इसका भी एक महत्व है लेकिन योगी के पास तो महत्व नहीं चाहिए वो तो छुट्टी चाहते हैं तो जन्म मृत्यु से बाहर जाना चाहते हैं इसलिए हर महात्मा काशी आते हैं लेकिन अपना काशी में जाकर अपना शरीर को छोड़ अपना शरीर के भीतर जो काशी है त्रिशूल के ऊपर गिरा पिंगला सुषुम तीनों के ऊपर तो पुनर्जन्म लगा देता है धर्म का दो चीज है कल भी हम कहीं बता रहा एक है एक्सटर्नल एक है इंटरनल इसमें असली कौन है इंटरनल जी जी हम खाना देखने से कहीं नहीं मरेगा खाना खाने से कहीं हमको प्यार लगा है हमको शरीर खराब होता है मैं तो डॉक्टर के पास
घर पे बोला अरे नहीं नहीं तुम बहुत 4 घंटा 5 घंटा पानी नहीं पिया, जाओ पानी पियो। हम सोचा कि डॉक्टर मुझको मंत्र दे दिया, हम जपते हैं पानी पियो पानी पियो पानी पियो पानी पियो, तो मुझको क्या होगा, इस तरह मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि मुझे कर्म करना, कौन सा कर्म, पानी गिलास ले लो पी लो, यही करो। तो अब हम पानी पियो जपते रहेगा तो हम बचेगा, यही तो मंत्र। मंत्र की मीनिंग क्या है, मन की त्राण होना चाहिए, जहाँ मन है नहीं वो अवस्था का नाम मंत्र है। लेकिन हम लोग 2-4 वर्ड को लगा देते हैं, तो कृष्ण नाम जपते रहो शिव नाम जपते रहो, ये तो धर्म के छोटे मोटे डिसिप्लिन बनाने के लिए बात बहुत कुछ। सब मनुष्य धर्म रास्ता में चले, कोई बुरा काम ना करे, इसलिए उसको धर्म के रास्ते में लेने के लिए जिसका तंगी हुआ वो तो पेड़ की ज्यादा है, उसके भी तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाया जी जी, उसका भी उसका भी तो त्याग नहीं करेगा ना, उसके अच्छा मनुष्य बनाने के लिए सब एक्सटर्नल बनाया। बाबा जी आपने जो बताया कि फूल तोड़ने में साप लगेगा, जो सब्जी हम लोग खा रहे हैं और ये वनस्पति खा रहे हैं तो उसमें पाप लगने की बात आ जाएगी, क्या समझा नहीं? आपने फूल तोड़ने पर फूल में भी प्राण है तो सब्जी खाते हैं ये खाते हैं तो उसमें भी फिर पाप लगेगा। लेकिन एक बात हमको सोचना है, ये हमने पेट में जो भूख दिया है वो तो मैंने देने दिया है, वो तो भगवान दिया है जी जी, तो भगवान जब भूख दिया है तो कुछ खाना तो उसको देना चाहिए जिसमें शरीर को बचे जी जी, शरीर को बचने के बचाने का क्या जरूरत है, भगवान के पास छुट्टी चाहिए और जन्म मृत्यु से निकल जाए जी, ये साधन करने के लिए ये शरीर है। लेकिन ये भोग क्षेत्र नहीं है, ये त्याग क्षेत्र है। तो भूख जो दिया है तो ये बाहर में जो कुछ खाना है उसके भीतर जो कमती पाप का होगा वही खाना हम खाएंगे। इसीलिए भारतवर्षी वेजिटेरियन अरे अरे की होती जानो नौ बजेगा क्या होगा ये जाए करके मोटर के टिकट की पेट करा दे मोटर के टिकट ना ना आपकी बाबा ने खावा पेंशन बाबा और देखा चलो 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 रात्रि वाले से मोटर खाबो तो ये ना मोटर छोड़बो ना मोटर खाबो ये तो मरवा लिया थे ये तो मोटर छोड़ दी ओके बाबा बस लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि क्या गुरु का होना जरूरी है, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक आप बनिए खुद आप उद्धार कर लीजिए अपना आपको दीपक सब कहानी है। अच्छा जरूर उनका भी कोई गुरु था। अच्छा भगवान रामचंद्र का गुरु था, भगवान कृष्ण का गुरु था और गौतम बुद्ध का गुरु नहीं था, ये क्या मानेगा? जिसका जन्म मृत्यु हुआ उसका गुरु होना, इसीलिए वो सनातन धर्म में है ही नहीं, वो अलग धर्म बने। किसी का जरूर साधन मिला लेकिन इतना ज्ञानी कैसे हो पाया, और जब ज्ञान लाभ कर लिया तो हम सनातन धर्म से निकाल करके दूसरा धर्म बना लिया। वही तो पृथ्वी में पहले दूसरे धर्म को बनाया, इसके पहले तो वो खुद गौतम बुद्ध खुद ही तो सनातन धर्म का आदमी था और उनका पिता माता भी सनातन धर्म का आदमी था। तो सनातन धर्म से आकर के जब बोधि बोधि ज्ञान लाभ कर लिया तो दूसरे धर्म बन लिए, तो धर्म एक था बन लिया दो, अब एक कहते कि मेरा धर्म बना है, वो कहते मेरा धर्म बना है, अच्छा हुआ इसमें क्या अच्छा हुआ नहीं बुरा हुआ। अब ऐसा ही जीसस क्राइस्ट आकर के देखते तीसरे धर्म बनाया, हजरत मोहम्मद आकर के चौथा धर्म बनाया, अब सब धर्म धर्म से मार पीट, जब मनुष्य के जीवन चले जाते हैं क्या अच्छा हुआ।
लेकिन सनातन धर्म कहते हैं कि उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बोलते कुछ भी नहीं, सबके भीतर प्राण है, ये आत्मज्ञान है। तो किसके भीतर आपको है नहीं, किसके भीतर प्राण है नहीं, इससे भले लिबरल कौन होता है, कौन से चल तो कुछ दूर अंतर जाते हैं।